हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरी इस नए वीडियो में, जहां पर हम बात करने वाले हैं हमारे नए टॉपिक की, जिसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन फ्लो चार्ट प्लांट्स। तो जैसे कि आपको पता है कि हमने ट्रांसपोर्टेशन फ्लो चार्ट को दो पार्ट्स में बांटा था, दैट इज ह्यूमन बींस एंड प्लांट्स। ओके, तो जैसे ह्यूमन बींस के इसमें हम गए थे जो फ्लो चार्ट के थ्रू देखा था, वैसे ही हम प्लांट्स के इसमें जाने वाले। तो जो फ्लो चार्ट था बेसिकली, उसका बेसिक आइडिया क्या था, किस तरीके से स्ट्रक्चर वाइज जा रहे थे, वो एक बार रिकॉल कर लेते हैं, उससे आपको पता है क्या चलेगा, दैट इज हम प्लांट्स के इसमें भी वैसे ही जाने वाले हैं, राइट। तो हमने क्या किया था, पहले तो फ्लो चार्ट के थ्रू सब कुछ मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन किया था, राइट। जैसे लिम्फेटिक सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर कुछ चीजें थी, लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर कुछ चीजें थी, ब्लड का टॉपिक हो गया, या ब्लड वेसल्स का टॉपिक हो गया, या हार्ट का टॉपिक हुआ। तो ये मैंने ब्रीफली आपको बताया कि इसमें कैसे होने वाला है, किस तरीके से आगे हम बढ़ने वाले हैं इस टॉपिक में, राइट। तो फ्लो चार्ट का इंपॉर्टेंस और उसके फायदे मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, राइट। सो यहाँ पर बताने की कोशिश क्या चलते, जिस तरीके से हम वहां पर गए थे उसी तरीके से हम इस फ्लो चार्ट में भी जाने वाले, मतलब हम ब्रीफली देखेंगे कि क्या टॉपिक है, क्या है, कैसे है, हम आगे कैसे बढ़ेंगे, आगे कैसे पढ़ेंगे, और उसके बाद हम स्पेसिफिक टॉपिक्स लेंगे और उसके डिटेल में जाके देखेंगे। जैसे कि हमने ह्यूमन बींस की इसमें किया, ह्यूमन हार्ट का टॉपिक हो, ब्लड वेसल का टॉपिक हो, ब्लड का टॉपिक हो, या लिम्फेटिक सिस्टम हो, या लिम्फेटिक फंक्शन, लिम्फेटिक सिस्टम के फंक्शन हो, ये सारी चीजें जो थी ये हमने पहले ब्रीफली डिस्कस की फ्लो चार्ट के थ्रू, और उसके बाद हम उसके डिटेल में गए, जैसे फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम वगैरह ये सारी चीजें, तो हम उसके डिटेल में गए, राइट। तो वैसे ही हम इसमें करने वाले हैं। अब ये जो तीन प्रोसेस दिख रही हैं, इसके हम डिटेल में जाएंगे, पहले हम यहाँ पर ब्रीफली समझ लेंगे। अब यहाँ पर होता क्या है, जैसे कि मैंने आपको बहुत बार बताया कि फ्लो चार्ट की इम्पोर्टेंस क्या है, फ्लो चार्ट का फायदा क्या है, ये सारी चीजें। तो यहाँ पर बेसिकली आपको होगा कि एक बेसिक आइडिया लग जाएगा, एक बेसिक स्ट्रक्चर पता चल जाएगा आपको कि कैसे हम आगे बढ़ने वाले हैं, कैसे हम आगे पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक को, राइट। सो अब स्टार्ट करते हैं, उसी तरीके से जाएंगे जिस तरीके से हम नॉर्मली फ्लो चार्ट को कवर करते हैं, राइट। तो देखो, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, ओके। सो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, इसके आपको सिर्फ दो चीजें दिखेंगी, वहां पर भी दो चीजें दिख रही थी ह्यूमन बींस में, बट द डिफरेंस इज जितना कॉम्प्लेक्स कोई चीज होगा उसको उतनी ही नीड्स होंगी कॉम्प्लेक्स चीजों की, बट जितना सिंपल कोई चीज होगा उसकी नीड्स भी सिंपल होंगी, ये बेसिक सा फंडा है ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई तो ऑब्जेक्ट है, राइट, उसको बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके से बनाया गया है, बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी से बनाया गया है, बट उसको जो मेंटेन करने की नीड्स है, ओके, वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि मैं किस तरीके से बता रहा हूँ आपको, कि ह्यूमन बॉडी जो है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके से बनाई गई है, ओके, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है एज वी कंपेयर टू प्लांट्स, ओके। तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और उसको मेंटेन करने के लिए बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीजें लगती है, बट जो प्लांट है एज वी कंपेयर टू ह्यूमन बींग्स, तो वो बहुत ही सिंपलर फॉर्म में है, ओके। तो बताने की कोशिश क्या चल रही, जितना कॉम्प्लेक्स चीज होगा उसको मेंटेन करने के लिए उतने ही कॉम्प्लेक्स नीड्स लगेंगे, और जितना सिंपल चीज होगा उसको फुलफिल करने के लिए उसकी नीड्स जो होंगी वो भी सिंपल होंगी, राइट। सो उसी तरीके से जो ह्यूमन बींग थे उसमें बहुत सारी चीजें लगती थी, ब्लड वेसल्स वगैरह, देन ब्लड वगैरह, बहुत सारी चीजें, राइट। अब फूड आइटम्स में भी बहुत सारी चीजें लगती थी, मेंटेन दी बॉडी, ओके। बट यहाँ पर क्या है, जो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स है इसकी बहुत सारी जरूरत है, इसकी भी बहुत सारी, वो कॉमन चीजें हैं, राइट। जैसे फोटोसिंथेसिस में सनलाइट लगता है, वाटर लगता है, वो सारी चीजें, ओके। बट जो मेन चीज है, जैसे ह्यूमन बॉडी को ग्रोथ में लाने के लिए, राइट, ह्यूमन बॉडी की ग्रोथ होनी चाहिए उसके लिए बहुत सारी चीजें लगती है, राइट। बट जो प्लांट है उसको सिर्फ तीन बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट चीजें लगती है, दैट इज वाटर, मिनरल एंड फूड, ये थोड़े से ज्यादा इम्पोर्टेंट, राइट। वो सनलाइट वगैरह तो वो है, ये पार्ट है वो ग्रोथ का, बट जो मेजर, एक तरीके से बोल सकते हैं, जो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है फॉर द ग्रोथ, वो होती है वाटर की, मिनरल्स की, और जो फूड है, जो आपको पता है किस तरीके का फूड वगैरह सब चाहिए, तो वो सारी चीजें हम बात करने वाले हैं। तो ये सारी चीजें लगती, तो ये एक एक्सप्लेनेशन पार्ट था। सो अब ये जो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट है, ओके, सो ये ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, इसको हमने दो पार्ट में बांट दिया, वो किस बेसिस पे बांटा है वो भी बताऊंगा। तो देखो, एक है वाटर एंड मिनरल्स, ओके, और दूसरा है फूड। अब इसको इस बेसिस पे बांटा गया है कि ये जो वाटर है, अब इस तरीके से भी कर सकते थे कि वाटर को सेपरेट, मिनरल्स को सेपरेट एंड फूड को सेपरेट, बट कौन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, कौन इसको हैंडल कर रहा है, उसके हिसाब से इसको एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि इसको डिवाइड किया गया, राइट, उन पार्ट्स में, राइट। जैसे वाटर एंड मिनरल,
ओके, वाटर एंड मिनरल्स को प्लांट में लाने के लिए। ओके, मींस जितना रिक्वायर्ड है, जिस जगह को रिक्वायर्ड है, प्लांट के किस पार्ट को रिक्वायर्ड है, उस पार्ट तक उतना मिनरल या वाटर जाना ही चाहिए, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमने था। और फूड का क्या है, फूड का मतलब क्या, जैसे आप बोल सकते हो एक तरीके से शुगर हो गया या सुक्रोज बोलते हैं इसको, या तो आप नॉर्मली फूड ही बोल, तीनों ही वैलिड है, राइट। तो फूड का मतलब जिस पार्ट को जिस टाइम पे जितना फूड लग रहा है, जैसे कि यहाँ पर बात की जिस टाइम पे जितना मिनरल लग रहा है, वाटर लग रहा है, उसी हिसाब से जितना फूड लग रहा है वो फ्लोएम पूरा करता है, उसकी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है, फ्लोएम लेता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। सो इसको दो पार्ट में बांटा है, दैट इज ये वाला पार्ट है वाटर एंड मिनरल्स का और ये वाला पार्ट है फूड। ओके, अब जो वाटर एंड मिनरल्स का पार्ट है उसको और दो प्रोसेसेस होते हैं, दैट इज ट्रांसपीरेशन एंड रूट प्रेशर। ओके, अभी ट्रांसपीरेशन क्या है, रूट प्रेशर क्या है, ये हम ब्रीफ में तो देखने वाले हैं, क्या पॉइंट्स कवर करने हैं, फिर उसके मेथड क्या है उसको एक्सप्लेन करने के या उसको समझने के, ये सारी चीजें हम कवर करेंगे। और जो फूड को ऑब्जर्व करने का तरीका है, एब्जॉर्प्शन करने का तरीका है, उसको नाम दिया गया है ट्रांसलोकेशन। ओके, सो बेसिकली हम ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में तीन चीजें या तीन प्रोसेसेस पढ़ने वाले हैं, दैट इज ट्रांसपीरेशन, रूट प्रेशर एंड ट्रांसलोकेशन। ओके, ये तीन चीजें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज जो है हमारी वो है ट्रांसपीरेशन। ओके, अभी डायग्राम के थ्रू भी समझेंगे और फिर थोड़ा थोड़ा आगे आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे हम, ठीक है। सो एक तरीके से यहाँ पर भी डेफिनेशन दिया और यहाँ पर भी शॉर्टकटली बताया गया है क्या है ट्रांसपीरेशन। तो ट्रांसपीरेशन आप बोल सकते हो इट इज अ लॉस ऑफ वाटर। ओके, इट इज अ लॉस ऑफ वाटर मतलब क्या, आप देखो ट्रांसपीरेशन का मतलब क्या, ट्रांसपीरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ वाटर मूवमेंट थ्रू अ प्लांट एंड इट्स इवेपोरेशन थ्रू एरियल पार्ट्स लाइक लीव, स्टेम एंड फ्लावर। अब यहां से इवेपोरेशन हो रहा है, उसके परसेंटेज क्या होते हैं ये भी हम देखेंगे कि कितना परसेंटेज कौन से पार्ट से इवेपोरेट हो रहा है। ओके, सो देखो ये बात समझ में आया आपको, ट्रांसपीरेशन एक तरीके से आप शॉर्टकट मेथड से बोलोगे तो उसको बोला जा सकता है कि लॉस ऑफ वाटर। ओके, बट अब यहां पर ट्रांसपीरेशन के दो एस्पेक्ट निकलते हैं, तो वाटर मूवमेंट जो प्लांट में हो रहा है उसको हम ट्रांसपीरेशन बोल सकते हैं। ओके, सो दिस इज नॉट एन एक्चुअल ट्रांसपीरेशन, एक्चुअल ट्रांसपीरेशन क्या है, दैट इज लॉस ऑफ वाटर मतलब इवेपोरेट हो रहा है वाटर। ओके, सो वो हम देखेंगे कि कैसे बढ़ने वाले हम आगे। सो ये जो है ना, यहां से जो है, यहां पर देखो, यहां से लेकर यहां तक ये जो है आप इसको बोल सकते हो एक्चुअल ट्रांसपीरेशन। ओके, सो यहां पर ट्रांसपीरेशन के दो एस्पेक्ट निकलते हैं, दैट इज एक तो वो एस्पेक्ट जहां पर बताया गया है कि ट्रांसपीरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर वाटर की मूवमेंट होती है प्लांट में। ओके, एक तरीके से ये भी वैलिड है। और दूसरा एक और एस्पेक्ट बताया गया है ट्रांसपीरेशन का, विच वी कैन कॉल इट एज एक्चुअल ट्रांसपीरेशन, वो है इवेपोरेशन मतलब जो वाटर है उसका इवेपोरेशन थ्रू द एरियल पार्ट। अब एरियल पार्ट कौन से, एरियल पार्ट किसको बोलते हैं, जो खुले हैं एक तरीके से, मतलब इंटरनली एक्सटर्नली बोल रहे हैं यहाँ पर, राइट। तो जो एरियल पार्ट्स हैं जैसे लीव्स हो गया, स्टेम हो गया, ओके, फ्लावर्स हो गए, तो ये सारे एक्सटर्नल पार्ट्स है, राइट। ऐसे नहीं कि लीव के अंदर का जो है, राइट, अब ये लीव है, ओके, लीव है, अब इसके अंदर का जो है इसको एरियल पार्ट नहीं बोल रहे, जो एक्सटर्नल है मतलब लीव का सरफेस हो गया, राइट, लीव हो गया उस तरीके से बोल रहे हैं। फिर स्टेम हो गया, स्टेम भी एरियल पार्ट है बिकॉज इट इज एक्सपोज टू द एयर, टू द एनवायरमेंट। और फिर फ्लावर्स, ओके, ये इस तरीके से बोला जा रहा है। तो एक्चुअल ट्रांसपीरेशन क्या है, ये जो है चल रहा है, देखो ट्रांसपीरेशन, तो एक्चुअल ट्रांसपीरेशन क्या है, द इवेपोरेशन ऑफ वाटर, ओके, फ्रॉम द लीफ और अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ओके, अब देखो ये ट्रांसपीरेशन समझ में आ गया, यहाँ पर दो एस्पेक्ट्स थे, एक तो था आप बोल सकते हो फ्री ट्रांसपीरेशन, जो हम बोल सकते हैं कि जो इंटरनली हो रहा है, ओके, जो इस तरीके से बोल सकते हैं ये इंटरनल ट्रांसपीरेशन या एक्सटर्नल ट्रांसपीरेशन है, ओके, बिकॉज इसमें इवेपोरेट हो रहा है वाटर एक तरीके से। बट मोर वैलिडिटी, जो वैलिडिटी होगी उसकी, जो वैलिड पॉइंट होगा वो होगा ये वाला, ओके, जो एक्चुअल ट्रांसपीरेशन है वो है इवेपोरेशन ऑफ वाटर थ्रू द एरियल पार्ट्स। ओके, सो अब इसमें कौन से पॉइंट कवर करने, ये तो हमको पता चल गया ट्रांसपीरेशन है क्या, मैंने ब्रीफ में आपको बता दिया कि ट्रांसपीरेशन
है क्या। बट अभी इसमें जो पॉइंट्स हम कवर करने वाले वो कौन से है? पहले तो होल प्रोसेस, ओके, पूरी प्रोसेस, इट्स एन ऑब्वियस थिंग, हम पूरी प्रोसेस एक बार अच्छे से देखेंगे, डिटेल में देखेंगे। उसका एक वैकेंसी फंडा है, ओके। अभी वैकेंसी फंडा जब हम डिटेल में देखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया, फॉर एग्जाम्पल अभी हमने ब्रीफ में देख लिया ट्रांसलोकेशन, रूट प्रेशर, ट्रांसपीरेशन, ओके। अब मैं ट्रांसपीरेशन के बारे में अलग वीडियो में बताऊंगा, रूट प्रेशर के बारे में अलग वीडियो में बताऊंगा, फिर ट्रांसलोकेशन के बारे में अलग वीडियो में, इस तरीके से चल रहा हो, राइट। सो वैकेंसी का जो फंडा है वो मैं डिटेल वीडियो में इंक्लूड नहीं करूंगा, बिकॉज एक तरीके से आप बोल सकते हो इट इज अ कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लिकेटिंग थिंग, ओके, कंफ्यूजिंग थिंग, बिकॉज ये जो वैकेंसी फंडा है ये पहला वाला मेथड है। अभी ये भी बताऊंगा आपको क्या, अगर जो वैकेंसी फंडा सीखने वाले हम, उसके बाद जालम वेसल्स, दो जालम वेसल्स के बारे में स्पेसिफिकली देखने वाले हम, वो है स्टेम और रूट का, ओके। रूट जालम वेसल जो यहाँ पर इस एरिया में होते हैं, और स्टेम जालम वेसल जो इस एरिया में होते हैं, जो लीव्स तक जाते हैं, ओके, जो लीव में ब्रांच करते हैं अपने, दे ब्रांच इनटू द लीव्स, ओके, वो होते हैं स्टेम जालम वेसल, तो उसके बारे में भी हम देखेंगे। उसके बाद जो हमारा लास्ट पॉइंट होगा जो ट्रांसपीरेशन में होगा, वो होगा यूसेज एंड वेस्टेज परसेंटेज ऑफ वाटर, मतलब कितना यूज हुआ वाटर और कितना वेस्ट हुआ, मतलब वेस्टेज का मतलब क्या है, एक तरीके से कितना इवेपोरेट हुआ, कितना परसेंटेज इवेपोरेट में चला गया और कितना परसेंटेज यूसेज में चला गया, ये सारी चीजें हम देखेंगे, राइट। तो अब इसको, ये जो सारे पॉइंट है, इसमें जो पहला पॉइंट है वैकेंसी फंडा, तो अभी डायग्राम के थ्रू समझा ही दूंगा, और वो आता है पहले मेथड में। अब ये जो होल प्रोसेस बताया ना, कि होल प्रोसेस मतलब क्या, जितनी भी प्रोसेस है, ओके, अब उसको समझाने के या समझने के दो तरीके हैं, एक तो अपवर्ड टू डाउनवर्ड मेथड और उसका रिवर्स मेथड, मतलब क्या, डाउनवर्ड टू अपवर्ड मेथड। अब जो डाउनवर्ड टू अपवर्ड मेथड है वो एक्चुअल मेथड है एक्सप्लेन करने का या समझने का, ओके। सो ये एक्चुअल मेथड है, और वो कॉम्प्लिकेटिंग भी नहीं है, कंफ्यूजिंग भी नहीं है, एक तरीके से ये कंफ्यूजिंग हो सकता है, राइट, बिकॉज इसमें वैकेंसी फंडा एक तरीके से बोल सकते हो इंक्लूड हुआ, राइट। जो मेरे टाइम पे भी ऐसी हुआ था, ये वैकेंसी फंड आया था, फिर उसमें नहीं समझ में आया, फिर रिवर्स मेथड में मैंने उसको समझा, राइट। सो अब कुछ बच्चों को रिवर्स फंडा समझ में आएगा, कुछ बच्चों को पहला मेथड समझ में आएगा। सो एक, जैसे कि मैं बोलता हूँ, एक है शॉर्ट मेथड, एक है डीप मेथड, ओके, उसके बारे में बात करेंगे। सो अब देखो, होल प्रोसेस जो है इसको समझने के या समझाने के दो तरीके हैं, एक तो पहला है अपवर्ड टू डाउनवर्ड मेथड, या दूसरा है रिवर्स वाला, दैट इज डाउनवर्ड टू अपवर्ड मेथड, विच इज द एक्चुअल मेथड, ओके। अभी अपवर्ड वाला मैं अभी समझा दूंगा, ये जो सेकेंड वाला ना, देखो ये वाला जो है, ये वाला, ओके, ये वाला मैं अभी समझा दूंगा, बिकॉज दिस इज अ शॉर्टकट मेथड टू एक्सप्लेन समथिंग, या समझने के लिए शॉर्टकट मेथड है। ये वाला जो रिवर्स वाला है, दैट इज डाउनवर्ड टू अपवर्ड, अब इसमें क्या हो रहा है, सारी की सारी चीजें निचोड़ के बहुत ही अच्छी तरीके से डिटेल में जाके समझेंगे हम, ओके। दैट इज वाई जो दूसरा मेथड है ये हम डिटेल वीडियो में देखेंगे, और ये जो है पहला मेथड ये अभी यहां पर एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि इसमें वैकेंसी फंड है, ये जो है ना, ये वाला जो पॉइंट है, ये वैकेंसी फंड भी इसमें आता, दैट इज पहले मेथड में, ओके। सो अब पहले पॉइंट को समझते हैं डायग्राम के थ्रू। अब क्या लिखा है यहां पर, अपवर्ड टू डाउनवर्ड, मतलब लीफ से रूट तक, ओके, जस्ट वेट फॉर अ मिनट, लीफ से, ओके। सो क्या बताया जा रहा है यहां पर, अपवर्ड टू डाउनवर्ड मेथड, मतलब क्या, लीफ से रूट तक, ओके। अब यहां पर हो क्या रहा है मैं बताता हूं, देखो ये जो येलो सॉरी ब्लू एरोस दिख रहे हैं आपको, ओके, ये हो क्या रहा है, वाटर लॉस हो रहा है, और जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, दैट इज लॉस ऑफ वाटर इज ट्रांसपीरेशन, एक तरीके से शॉर्टकट मेथड से देखा जाए तो पूरा निचोड़ क्या बताता है हमको ट्रांसपीरेशन के बारे में, कि एक तरीके से लॉस ऑफ वाटर हो रहा है, उसको हम ट्रांसपीरेशन बोल सकते हैं, ओके। सो यहां पर क्या हो रहा है, वाटर लॉस हो रहा है, देयर इज अ लॉस ऑफ वाटर, सो दिस इज ट्रांसपीरेशन। अब होता क्या है, देखो इसमें, अब इसमें होता क्या है ये देखो, अब ये जो रेड वाला, ये समझ लो वैकेंसी है, ओके, और ये जो ग्रीन है, ओके, वो वाटर मूवमेंट है, ऐसे समझ लो। अब एरो के थ्रू समझ रहा है आपको, ये ब्लू एरो दिख रहा है आपको, तो ऐसे वाटर मूव हो रहा है ऊपर। अब कैसे हो रहा है वो बताता हूं मैं, देखो अब यहां पर
ये वाटर लॉस हुआ यहाँ पर, ये पर्टिकुलर पॉइंट है देखो, ओके ये पर्टिकुलर पॉइंट है, यहाँ पर वाटर लॉस हुआ, ओके तो यहाँ पर वैकेंसी क्रिएट हो गया, ओके यहाँ पर वैकेंसी क्रिएट हो गया। अब यहाँ पर वाटर है, ओके यहाँ पर वाटर है, तो ये क्या होगा, इसका ट्रांसपोर्ट होगा वैकेंसी की जगह पे। अब ऐसे ही कंटिन्यू होता जाएगा, ओके अब ऐसा क्या होता जाएगा, कंटिन्यू होता जाएगा, मतलब क्या, इधर वैकेंसी बना, क्यों, क्योंकि यहां से वाटर जा चुका है, ओके बेसिकली यहां पर क्या हो रहा है, वाटर यहां से जा चुका है, तो वहां पर खाली जगह हो गई है, तो खाली जगह को भरने के लिए वहां पर वाटर चलेगा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जहां पर जितना रिक्वायरमेंट होता है, जहां पर खाली जगह है, वाटर वहां पर जाके रुकेगा, या जैसे कि हमारा बॉडी का मैंने बताया था, जहां पर हॉर्मोन्स की जरूरत है वहां पर स्पेसिफिकली उस ऑर्गन के पास जाके रुकेगा, जहां पर ब्लड की जरूरत है वहां पर ब्लड जाके रुकेगा। उसी तरीके से जहां पर अभी यहाँ पर वैकेंसी बनी, वैकेंसी मतलब क्या, वहां पर वाटर नहीं, वहां पर जगह खाली हो चुकी है अभी, तो अब यहाँ पर जगह खाली होगी, तो जहां पर वाटर भरा हुआ था वो वहां से वैकेंसी में चला जाएगा। अब यहां पर वैकेंसी बन जाएगी वापस, देखो यहां पर वैकेंसी बन जाएगी, ओके अब यहां पर वैकेंसी बन गई, तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, यहां पर वाटर होगा, अब वो वाटर यहां पर चला जाएगा, तो ऐसे ही चलता जाएगा, ओके और ऐसे चलते चलते रूट्स तक आएगा, ओके अब रूट्स तक आएगा तो क्या होगा, यहां पर प्रॉब्लम नहीं होगा वाला जो यहां पर बताया जा रहा है, मूवमेंट होगा एक तरीके से देखा जाए इनडायरेक्टली, तो मूवमेंट होगा। अब ये कैसे होगा, यहां पर वैकेंसी बन जाएगी, यहां से यहां पर चलेगा, तो यहां का वाटर यहां पर जाएगा, अब यहां पर वैकेंसी बनेगी, यहां का वाटर यहां पर जाएगा। अब ये जो पर्टिकुलर स्पेस है यहां पर देखो, ये जो पर्टिकुलर स्पेस है, ओके रूट से जुड़ा हुआ है, सॉइल से जुड़ा हुआ है, और सॉइल किससे जुड़ा हुआ है, वाटर से। सो अब ये जो रूट्स है ये डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में है वाटर के थ्रू दिस सॉइल, ओके सो यहां पर अबंडेंट वाटर है, मतलब देयर इज अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, ओके यहां पर एक फिक्स्ड अमाउंट में वाटर है, कि एक समझो ये एक ऐसा सेल है यहाँ पर, या जो यहाँ पर बोल रहा था यहाँ पर वैकेंसी बन गई तो इस जगह से यहाँ पर जाएगा, तो समझ लो लीफ में या स्टेम में एक जगह है, तो एक फिक्स जगह है ना, यहाँ पर वाटर रहेगा और यहाँ से आगे जाएगा, तो फिर नीचे से ऊपर जाएगा, फिर नीचे से ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर भी वैकेंसी बन गई, ओके फाइनली यहाँ पर भी क्या हुआ, यहाँ पर वैकेंसी बनी, ओके बट यहाँ पर क्या है, अभी पूरा एक ऐसा है, मतलब बहुत सारा वाटर है इसके नीचे, सो जो रूट है वो सॉइल के थ्रू वाटर के साथ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है, ओके सो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी मूवमेंट होगा, बिकॉज रूट के पास अभी ये जो सॉइल और रूट के बीच का जो ये गैप है, राइट ये जो स्टेम यहाँ पर लगा हुआ है, अब यहाँ पर जो ये गैप है उधर तो पानी लेके जाना है, वहां तक पानी लेके जाना है, सो क्या होगा, ये ऐसे यहाँ पर जाएगा, ओके यहां से ऐसे रूट्स के थ्रू यहां पर जाएगा, फिर वापस ऐसे ऐसे जाते हुए यहां पर वापस वैकेंसी बनेगा, ट्रांसपीरेशन होगा, वाटर लॉस होगा, ओके सो एक तरीके से यहां पर क्या हो रहा है, वैकेंसी फंडा यहां पर चल रहा है, और ये जो पहला है अपवर्ड टू डाउनवर्ड ऐसे गए हम, एक तरीके से कंफ्यूजिंग ना पड़े, राइट सो जैसे कि मैंने बताया आपको हर चीज डिटेल में समझाई जाए तो अच्छी बात है, राइट तो रिवर्स मेथड में भी यही हो रहा है। अब यहां पर क्या हो रहा है, वाटर लॉस हुआ, फिर ऐसे 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 उल्टे आ रहे हैं, अब सीधे तरीके से जाते हैं, ओके ब्रीफली जाते हैं, बट अब यहाँ पर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, हम डिटेल में दूसरे वीडियो में देखेंगे, ट्रांसपीरेशन की वीडियो में देखने वाले हैं। अब क्या हो रहा है, यहाँ पर वाटर है, ओके यहाँ पर वाटर ऐसे समझो तो सॉइल के कॉन्टेक्ट में है, अब सॉइल किसके कॉन्टेक्ट में, एक तरीके से वाटर के साथ है, तो सॉइल के थ्रू रूट्स जो है वो वाटर के कॉन्टेक्ट में है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहां से इधर जाएगा, रूट हेयर्स में जाएगा, फिर रूट में जाएगा, रूट में क्या है, रूट ज़ाइलम वेसल्स हैं, अब वो ज़ाइलम वेसल्स जो रूट के ज़ाइलम वेसल्स हैं, किससे कनेक्टेड है, स्टेम से कनेक्टेड है, अब ये स्टेम से जो स्टेम ज़ाइलम वेसल्स हैं उसमें जाएगा, अब यहां से अब जो रूट ज़ाइलम वेसल्स हैं ये किसमें ब्रांच करती है, इनटू द लीव्स, मतलब ऐसे लीव्स में ब्रांच करते हैं, तो वो जो वाटर है स्टेम से स्टेम ज़ाइलम वेसल्स में गया, स्टेम ज़ाइलम वेसल्स से कहाँ गया, वो लीफ में गया, अब लीफ में जाने के बाद एक्चुअल ट्रांसपीरेशन हो रहा है, ओके एक तरीके से जो रूट हेयर से लीफ तक जा रहा है, तो ये क्या हो रहा है, वाटर मूवमेंट हो रहा है, ओके व्हाट इज हैपनिंग हियर, वाटर मूवमेंट इज हैपनिंग हियर, सो एक तरीके से इसको ट्रांसपीरेशन बोला गया, बट द एक्चुअल ट्रांसपीरेशन इज हैपनिंग व्हेन द वाटर कम्स ऑन द लीफ, ओके इन द लीफ, ओके।